दोस्तों लॉकडाउन का समय है और हम और आप लोग सब घर पर ही हैं। ऐसे में सारी कंपनीज बहुत सचेत हो गई हैं, वो कुछ ना कुछ अपने नए फीचर्स पे काम कर रही हैं ताकि हम और आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स और कलीग से जुड़े रहें। इसको लेकर व्हाट्सएप ने भी काफ़ी काम किया, वो कुछ नए फीचर्स लेके आया। उसको लेकर फेसबुक ने भी बहुत सारा काम किया, वो भी कुछ नए फीचर्स लेके आया। लेकिन आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, जिस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, वो इससे काफ़ी अलग है। आज मैं बात करने वाला हूँ फेसबुक मैसेंजर रूम्स की। जी हाँ, फेसबुक मैसेंजर रूम आखिर है क्या, उसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं और वो आपका कितना काम आएगा, कितनी मदद करेगा, सारी इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, अगर आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स और कलीग से जुड़े हुए हैं और आप चाहते हैं उनसे कंटिन्यूसली वीडियो कॉन्फ्रेंस करना, तो आपके लिए बहुत ही काम की, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर मैं लेके आया हूं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको फेसबुक मैसेंजर रूम्स के बारे में। दोस्तों, फेसबुक मैसेंजर एक रूम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप करीब 50 लोगों के साथ एक साथ जुड़ के वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो मीटिंग सब आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएट हैं और आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप अपने सारे ग्रेजुएट फ्रेंड्स के साथ मिल सकते हैं। अगर आपको गेमिंग का शौक है तो आप गेमिंग, अपने सारे जितने भी गेमिंग के फ्रेंड हैं सबको आप मिलकर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस में किसी ओनर हैं तो आप अपने सारे कलीग्स के साथ, सारे जितने भी आपके एम्प्लॉयज सबके साथ आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। इसकी खास बात यह दोस्तों, करीब 50 लोग आप उसको एक रूम क्रिएट करके आप उसमें उनको ऐड कर सकते हैं और आप आसानी से अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंस कर पाएंगे। दोस्तों, ये अलग कोई ऐप नहीं है, ये एक इनबिल्ट फीचर है फेसबुक के अंदर जिसको आप आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। और अपने इसको आप साथ साथ आपको बता दूं, आप इसको व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम के साथ भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। दोस्तों, इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि फेसबुक इसको अब फीचर को अपने जो मैसेंजर उसमें इनबिल्ट करेगा और ये हमारे लिए और आरामदायक और बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। साथ साथ दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इस फीचर की वजह से काफ़ी लोगों की मदद और काफ़ी लोगों को थोड़ी राहत की सांस मिलेगी। बिकॉज जैसे कि हम बात करें जूम को लेकर, काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारी गवर्नमेंट ने भी कहा था कि वो सेफ ऐप नहीं है। तो इसको लेकर फेसबुक ने नया फीचर लेकर आया जो कि आप सबके, हमारे साथ, हमारे भी बहुत काम आने वाला है। और दोस्तों, सबसे खास बात इसमें यह है, जो लोग ऑलरेडी आप लोग कह रहे होंगे भाई काफ़ी लोग तो हमारे फेसबुक में नहीं है तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंस क्या नहीं कर पाएंगे, दोस्तों इसका आंसर है बिल्कुल आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कर पाएंगे। आपको बस जूम के साथ एक लिंक शेयर करना होगा और उस लिंक के जरिए भी वो बंदे आपसे जुड़ सकते हैं। तो इसमें कोई घबराने वाली, कोई प्रॉब्लम वाली बात आपके सामने नहीं है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, इस जो भी रूम होगा इसको आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं, इस आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप किसी को 50 बंदे में से किसी को निकालना चाहते हैं तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, किसी को ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं, किसी का फेसबुक अकाउंट नहीं है तो तब भी आप उसको लिंक शेयर करके आसानी से उसको अपने साथ जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, साथ साथ फेसबुक में एक और एक ऑप्शन आपको मिलेगा कि अगर जो लोग आपकी फ्रेंड लिस्ट में नहीं है वो लोग आपको केवल देख पाएंगे और सुन पाएंगे। तो ये फेसबुक एक नया फीचर है। और दोस्तों, अगर बात करें सेफ्टी को, तो सेफ्टी को लेकर फेसबुक ने बहुत क्लियर कहा है कि ये केवल एक मैसेंजर के थ्रू इनबिल्ट फीचर है जिसको आप यूज़ कर पाएंगे। हमारे पास ना आपका कोई डाटा रहेगा, ना कुछ रहेगा, रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं रहेगी। तो ये सीधा आपको कॉल करनी है, आपकी वीडियो कॉलिंग रहेगी, आप उसको यूज़ करिए, आपकी बातचीत रहेगी, तो उसका कोई रिकॉर्ड या सेटअप हमारे पास नहीं रहेगा। तो ये बात प्राइवेसी के यहीं पर ख़त्म हो जाती है, जिसको हम आसानी से यूज़ कर पाएंगे और हमारे लिए हेल्पफुल हो पाएगा। दोस्तों, इस इनबिल्ट फीचर के अंदर आपको मल्टीपल चीज़ें करने को मिलेंगी। आप अपने आप से लाइट सेट वगैरह कर पाएंगे, आप मून लाइट्स में सेट कर सकते हैं और आप अपना बैकग्राउंड भी सब सेट कर सकते हैं, जैसे कि और सब वीडियो कॉन्फ्रेंस ऐप में होता है कि आप उसको ही लीड करते हैं। तो सेम इसमें भी ये हुआ कि आप ही इसको लीड करेंगे, जो भी बंदा इसको रूम को बनाएगा वो इसको लीड करेगा। अब दोस्तों, आपके लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा, ये ऑप्शन हमें मिलेगा कहाँ? दोस्तों, ये जो ऑप्शन मिलेगा आपको मैसेंजर के अंदर एक चैट रूम के अंदर मिलेगा, जहाँ पे क्रिएट एक रूम का ऑप्शन आएगा। चैट के अंदर क्रिएट एक रूम का ऑप्शन आएगा, आपको उस पर क्लिक करना, आप आसानी से कर पाएंगे। ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टार्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन आपको मैं साथ साथ एक और चीज़ बता दूँ, मेरे को जो नया लग रहा है वो ये लग रहा है कि अभी के लिए, कि जैसे कि हमने कोई क्रिएट रूम किया, उसमें हमने बंदों को ऐड किया, हम क्रिएट रूम, आपको सीधा मैसेंजर में जाना है, वहाँ पे 3 डॉट्स होंगे, उस पर आपको क्लिक करना है, क्रिएट एक रूम में जाना है और आप जिन जिस बंदे को आपकी फेसबुक आईडी है आप उसको आसानी से वहाँ पे ऐड करके आप उन बंदों के साथ वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। बिकॉज रिसेंटली मैंने जब करी थी तो पहले क्या था, आप सिंगल टू सिंगल, सिंगल बंदा एक दूसरे से वीडियो कॉलिंग कर पाता था, लेकिन अब मैंने करीब 5 लोगों के साथ वीडियो कॉलिंग करी थी तो मैं आसानी से कर पा रहा था। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है अभी के लिए, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, बाकी जो ये स्टार्ट हो रहा है ये भी आप इसको यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बचते हैं, उम्मीद करता हूं आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि हमारी इस तरह की वीडियोज़ आपके काम आती रहें दोस्तों, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी जब भी कोई नई वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टॉपर्स।